अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में दो साल बाद फिर से ऐतिहासिक नौचंदी मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले की कमान इस बार पूरी तरह नवनियुक्त डीएम दीपक मीणा ने संभाली है। मेले को लेकर डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि मेरठ में लगने वाला ऐतिहासिक नौचंदी मेला कोरोना काल की वजह से पिछले दो सालों से नहीं लग पा रहा था, लेकिन इस बार मेरठ प्रशासन और जिला पंचायत की ओर से मेले की तैयारी जोरों से चल रही है और दो साल बाद इस बार ऐतिहासिक नौचंदी मेला लगाया जा रहा है। मेले को लेकर डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था व साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। दीपक मीणा ने कहा कि चौथी लहर की संभावना दिखाई दे रही है, अगर मेरठ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है तो मेले पर भी रोक लगा दी जाएगी। लोगों की जिंदगी पहले है और मेले तो आते जाते रहते हैं। ईद के तत्काल बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे, उसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको एक या दो दिन में कम्युनिकेट कर दूंगा। बाकी आज सभी अधिकारियों को और सभी वरिष्ठ नागरिकगण मीडिया के लोगों को बुलाया गया था कि एक चर्चा के लिए कि वो अपने सुझाव दे सकें, क्योंकि अब ये प्रांतीय मेला एक तरीके से घोषित हो गया है। पहले ये नगर निगम और जिला पंचायत ऑल्टरनेट बेसिस पे करवाते थे, पर अब ये जिम्मेदारी एक तरीके से जिला प्रशासन की है, तो उसी की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी की बैठक बुलाई गई है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी बस ईद समाप्त होने के बाद हम इसको स्टार्ट करें। कानून व्यवस्था आपको जैसा पता भी है कि सरकार की सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता है, और कप्तान साहब से बात करके और पुलिस से बात करके हम लोग ये इंश्योर भी करवाएंगे कि वहाँ पे कोई भी कानून व्यवस्था का कोई भी समस्या ना हो और पर्याप्त ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाएगी। देखिए, मैंने ज्वाइन किया है तो तब मुझे संज्ञान में भी आया है कि थोड़ा ज़मीन के डिस्प्यूट की वजह से बहुत सारी चीज़ें उस पर उस ज़मीन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा, तो कोशिश करेंगे अभी तो एटलीस्ट ये मेला करवाएं, इसके बाद जैसे भी हो अगले 11 महीने या 10 महीने उस ज़मीन का उस जगह का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है जिसकी वजह से वो वापस से वो खस्ता स्थिति में ना पहुंचे, तो वो उस पर भी विचार किया जाए। नहीं देखिए, अभी इलेक्शन की वजह से अभी इस पर बहुत ज़्यादा वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम की हमें रूपरेखा बनानी है, इसीलिए लोगों से सुझाव भी लिए हैं कि किस टाइप की पब्लिक चाहती है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे और कोई भी मतलब हल्का टाइप का कार्यक्रम ना रहे, लोगों के लिए अच्छे कार्यक्रम रहो, पब्लिक आके उसका लाभ उठा सके, मनोरंजन भी हो साथ के साथ, तो उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 4 या 5 दिन में हम उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की लिस्ट को फाइनल कर लेंगे और वो आपको भी उपलब्ध करवा देंगे। नहीं देखिए, अभी भी केसेस हैं और केसेस ऐसा नहीं है कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमें लगेगा, देखिए अगर हमें लगता है और शासन ये निर्णय लेता है कि मेला और ये सब चीज़ें वापस से लहर के दृष्टिगत नहीं होनी, तो फिर तो वो निर्णय लिया जाएगा, पर आज की स्थिति में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है। पर हम इसको देखते हैं, अगर 3-4 दिन और 5-6 दिन मॉनिटर करेंगे, अगर हमें लगता है कि स्थिति वैसी उत्पन्न हो रही है तो सर्वोच्च प्राथमिकता पब्लिक के हेल्थ की है। मेला तो आता जाता रहेगा, पर सबसे पहले जिंदगी बचाना हमारा सबसे बड़ा कार्य है, तो सिचुएशन को देखते हुए उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट।